आरजेडी के एक और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, ये सीबीआई का शिकंजा जो है पूरे लालू यादव परिवार पे कसता जा रहा है, कितना नुकसान पार्टी को देख रहे हैं आप इससे? देखिए, इससे नुकसान क्या होगा, ये जितना इस तरह का कारनामे करेंगे सरकारी जो बीजेपी है, ये अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये जो परेशान करना विपक्ष के लोगों को चाह रहे हैं, इससे क्या होगा? ये तो 2024 का परिणाम क्या आएगा, इसी से ये डरा हुआ है, बीजेपी डरी हुई है। अब कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है इनके कारनामों से। इसलिए ईडी, आईटी, सीबीआई ये सारे तो इनके जमाई बनकर रह गए, बीजेपी के प्रकोष्ठ बन के काम कर रहे हैं तोता के। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीज का जवाब दिया जाएगा। पूरा क्या है मामला, अभी इसकी जानकारी ले रहे हैं, हम भी बाहर से आए हैं, लेकिन ये तो सब लोग, जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि सीबीआई की मेहरबानी, ईडी, आईटी की मेहरबानी तो रहती ही है हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर। जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तब से तो लगातार आप देख ही रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मृत्युंजय जी, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि सीबीआई की एक जांच में लालू यादव सजायाफ्ता भी हुए, चारा घोटाला मामला भी आपके सामने है, तो ये बाकी मामलों में क्यों ना जांच होने दे, आगे बढ़ने दे जांच को? हमने कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जवाब दिया जाएगा, अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है, न्यायालय है, और न्यायालय में अपनी बात, आज लालू प्रसाद जी को जमानत भी मिली है, लेकिन ये जो राजनीतिक लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ पा रहे लालू प्रसाद जी से, तो वो अपने तोते के माध्यम से परेशान करने के लिए इस तरह के कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। जनता तो सब देख ही रही है, जनता देख रही है, यही तो सवाल है, चुनाव में क्या जवाब देंगे आप? जनता जब पूछेगी कि आपके ऊपर इतने जांच बैठी हुई है, इतने घोटालों का आरोप है, कोर्ट में आपकी पेशी होनी है, कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई है, क्या जवाब देंगे जनता? ये तो हमारे विरोधी जब सवाल करते हैं तो जनता वोट के माध्यम से जवाब देती है ना, वोट के चोट से, इसलिए ना हम सबसे बड़ी पार्टी है कि जनता सब चीज समझ रही है। हमने पहले ही कहा कि कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, जिस विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर ओर आप देखेंगे तो ये अपने जहां जहां ये नहीं लड़ पा रहे अपने विरोधी से तो राजनीतिक लड़ाई, तो वो अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से। चलिए, यानी आपका कहना है कि बीजेपी निशाना साध रही है और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, एक बार फिर बिहार का रुख करेंगे, इस सीबीआई रेड से जुड़ी हुई अपडेट आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।